बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी को खुश आमदीद। आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की सिपाही भर्ती के ऊपर, जो कि अभी गुज़िश्ता दिनों में आई थी। तो इसके लिए हमारे एक भाई गए थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर उनकी सिलेक्शन हो जाए तब इस वीडियो की पार्ट टू भी शेयर कर दी जाएगी। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा। तो आगे आप उनकी ऑडियो सुने, एक्सपीरियंस सुने। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं 19 तारीख को गया था मेरा आर्मी में अप्लाई के लिए। तो पहले दिन गया था, मेरा सिर्फ इंटरव्यू वगैरह हुई, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था इसलिए सिर्फ उस दिन इंटरव्यू हो सकी। फिर 20 तारीख को मैं दोबारा गया, ठीक है, उस दिन फिर मेरा हुआ मेडिकल हुआ और रजिस्ट्रेशन अंदर हुई। उस दिन सिर्फ यही हुआ। फिर अगले दिन मैं दोबारा गया 21 तारीख को, उस दिन उन्होंने मेरे रिटन टेस्ट था और मेरे 4 पेपर हुए 2 घंटे के। वो पेपर देने के बाद फिर मुझे उन्होंने फिज़िकल की डेट दी, और 26 तारीख को 25 तारीख को मेरा फिज़िकल था रेस कोर्स ग्राउंड में। उधर फिज़िकल देने के बाद जिस दिन मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी उस दिन मुझे ट्रेड का भी टेस्ट का डेट दे दी थी उन्होंने। 28 तारीख की मुझे डेट दी थी, जिनको ट्रेड वगैरह उन्होंने बता दिया था, ईएमई वगैरह, सिग्नल्स वगैरह, एविएशन टेक्नीशियंस वगैरह का जिनको ट्रेड लगा था उनका 28 तारीख को दोबारा टेस्ट होगा। तो फिर मैं 28 तारीख को दोबारा गया, उन्होंने मेरे से दोबारा टेस्ट लिया। वो उसमें सिर्फ एक ही टेस्ट था जिसमें सब कुछ था, इंग्लिश भी थी, मैथ, फिज़िक्स वगैरह सारा मिक्स था। सिर्फ 1 घंटे का वो पेपर था, बस यही मेरा एक यही कुछ 4-5 दिन का ये एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, अब इसका जो मैं दे आया हूँ ना, इसका ये होगा कि तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद, ठीक है, इधर ही मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। अगर उसमें नाम आ गया तो फिर कॉल लेटर वगैरह इशू हो जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल मेडिकल वगैरह होगा। फिर जब फाइनल मेडिकल हो जाएगा फिर उसके बाद दोबारा ये सेंटर्स वगैरह में फिर आगे दोबारा कॉल लेटर आएगी दूसरी।